नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड में नामांकन के लिए 21 दिनों में मिले 44,000 आवेदन। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 7 मेडिकल कॉलेज को बनाया गया कोविड अस्पताल। बिहार में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, अब मोबाइल फोन पर मिलेगा अंतिम संस्कार का समय। बिहार में 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की होगी खरीदारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित यह सोमेश्वर नाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर की सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहाँ पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर है, जिस कारण इसे अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहरों के रूप में भी जाना जाता है। बीएड में नामांकन के लिए 21 दिनों में मिले 44,000 आवेदन। बिहार में बीएड में रुचि रखने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की मांग की गई थी, जिसके तहत नामांकन के लिए 21 दिनों में लगभग 44,000 आवेदकों ने आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके बाद खबर लिखे जाने तक सूबे में कुल 43,625 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। 39,479 ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिए गए हैं। वहीं 4,146 प्रक्रिया अधीन है। 2 वर्षीय बीएड रेगुलर मोड से 2 मई तक 39,428 और 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री बीएड कोर्स के लिए 51 आवेदन प्राप्त हुए हैं। खबरों की माने तो किए गए आवेदनों में से 20,025 पुरुष और 19,454 महिला आवेदक शामिल है। कोविड-19 मरीज के इलाज के लिए 7 मेडिकल कॉलेज को बनाया गया कोविड अस्पताल। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर दिन मामलों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने अब पर्याप्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाने के लिए बिहार के 7 मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत IGIMS पटना, विम्स पावापुरी, GMC बेतिया और JKTMCH मधेपुरा को भी पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। अब यहां के 100% बेडों पर कोविड मरीजों का इलाज होगा। वहीं कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया पहले से ही कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित है। बिहार में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। बिहार में आने वाले सप्ताह में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में आंधी पानी के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तो अभी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। इस चक्रवातीय क्षेत्र से निम्न दबाव की रेखा बिहार होते हुए मणिपुर तक फैली है। इसके प्रभाव से आंधी पानी की यह स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर आंशिक तो कहीं पर मध्यम बारिश देखने को मिली। 1 मई को सबसे ज्यादा बारिश बहादुरगंज में 52 मिलीमीटर हुई है। हालांकि बीते दिन पटना में पारा सामान्य से काफी नीचे रहने के कारण गर्मी से भारी राहत मिली है। यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस के लिए 5 मई से आवेदन शुरू होने की कही बात। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार CMS परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन 5 मई 2021 को जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपीएससी CMS परीक्षा के जरिए सरकार के विभिन्न विभागों में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने यूपीएससी CMS परीक्षा से संबंधित तारीख समेत कई जरूरी बातों का खुलासा कर दिया है। ध्यान रहे 25 मई आखिरी तारीख है आवेदन भरने की। पुलिस बल की सटीक प्रतिनियुक्ति अब होगी अस्पतालों में। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बीते दिन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, जहां उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में पुलिस बलों की स्टैटिक प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस बलों की स्टैटिक प्रतिनियुक्ति अब होगी अस्पतालों में। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बीते दिन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, जहां उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में पुलिस बलों की स्टैटिक प्रतिनियुक्ति की जाए। इसके साथ ही आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने 7 बिंदुओं पर काम करने का निर्देश दिया, जिसके तहत उन्होंने कोविड-19 जांच और वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने के लिए सरकार की सभी इकाइयों को परस्पर समन्वय स्थापित करने, साथ ही किसी भी इकाई के बीच कम्युनिकेशन
वेंटिलेशन गैप नहीं होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मरीज के परिजनों को ठहरने की अस्थायी व्यवस्था निर्माण करने और उन तक मरीजों की सही सूचनाएं समय समय पर पहुंचाने और अस्पतालों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पर भी ध्यान देने की बात कही है। अब मोबाइल फोन पर मिलेगा अंतिम संस्कार का समय। कोविड 19 के खराब हो रही व्यवस्था को देखते हुए कई लोगों ने जान गंवा दी है। इसके तहत शमशान घाटों पर लगातार लोगों की कतार देखने को मिल रही है। ऐसा मंजर बिहार में पहली बार देखने को मिल रहा है, जब जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि अब नगर निगम ने लोगों के इस विपदा की घड़ी में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसके तहत पटना नगर निगम की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके आप अंतिम संस्कार करने का समय राजधानी पटना में ले सकते हैं। जिसके तहत घाट कंट्रोल रूम का फोन नंबर 8987165304, गुलाबी घाट कंट्रोल रूम का फोन नंबर 9931279973 और खाजेकला घाट कंट्रोल रूम का फोन नंबर 6203180280280 और 8210745187 है। इसके साथ ही बॉडी को घाट पर ले जाने से पहले परिजन संबंधित घाट के कंट्रोल रूम को सूचना भी दे सकते हैं। कोविड 19 के माहौल के बीच हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को लगाई फटकार। कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार लॉकडाउन के फैसले पर कोई सोच विचार नहीं कर रही है, जिसके कारण ही मामलों में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही सरकार के इस रवैये को देखते हुए अब पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार की फटकार लगाई है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच सरकार का टोटल फेल्योर सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मंगलवार तक इस पर जवाब मांगा था कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। इस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, जिसके बाद जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि यह टोटल फेल्योर की स्थिति है, राज्य के अंदर संक्रमण बेकाबू है और सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से कहा कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर हर मोर्चे पर फेल हो रही है। कोविड 19 संक्रमितों के इलाज के लिए सरकार दिखी मुस्तैद। कोविड 19 संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद से सरकार भी लगातार संक्रमितों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी को लेकर हाल ही में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कटिहार के अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड संक्रमितों के लिए बेड सुरक्षित किया गया है, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट लगाने की भी व्यवस्था हो रही है। उपमुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए अपने गृह जिले में हो रही तैयारी पर बैठक की और अस्पताल का निरीक्षण कर उनका जायजा लिया। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोविड 19 प्रभावितों को किसी भी हाल में इलाज मुहैया करवाया जाए। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्र की। 1 नवंबर 1987 को जन्मे सत्यपाल चंद्र एक भारतीय लेखक और उद्यमी है। वो मैकटैप टेक्नोलॉजीज और आउटलैंडर्स मीडिया के संस्थापक है। उन्होंने विभिन्न शैलियों के उपन्यास का विमोचन किया है। वो बिहार के गया जिले में स्थित एक दूरदराज के गांव मल्हारी से है। वो एक बहुत छोटे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका पहला उपन्यास महावीर प्रकाशकों द्वारा 2011 में प्रकाशित किया गया था। पुस्तक सांप्रदायिकता, युवा संघर्ष और उद्यमशीलता के बारे में है। इसके बाद उसी साल उनकी दूसरी पुस्तक गोल्डन एंजल एंड द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट डायमंड बुक्स में प्रकाशित हुई थी। बिहार में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की होगी खरीदारी। कोविड 19 के इस लहर में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए और मरीजों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत बिहार में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदारी कर रही है। राज्य में 3650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी है, जिनका उपयोग किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल मरीजों को उनके बेड के पास ऑक्सीजन देने में होता है। यह मशीन हवा से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे मरीजों तक आपूर्ति करती है। इसके साथ ही विभाग ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 राज्यों की जीत पर दी बधाई। 1 महीने के चुनाव के बाद आखिरकार 2 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जाकर अपनी बधाई सभी राज्यों को दी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार विजय हासिल करने पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जीत पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों को भी जीत पर बधाई दी है। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु में विजय हासिल करने वाले डीएमके नेता एमके स्टालिन को उनका नाम लेते हुए ट्वीट किया है।
कोविड 19 के कारण वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने गवाई जान। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार नामी गिरामी लोग दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खबरों की माने तो वो कई दिनों से कोविड 19 से संक्रमित थे। कुल सचिव के गुजर जाने पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी समेत कई लोगों ने शोक प्रकट किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले प्रोफेसर नंदेश्वर प्रसाद कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रोहतास के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। कुछ पहले तक उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन बीते एक दो दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। रविवार की रात अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। बिहार में तख्ता पलट के हो रहे दावों पर भाजपा ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से बिहार की राजनीति में भी लगातार शोरगुल देखने को मिला, जिसके तहत विपक्षी दल बार बार बिहार की राजनीति में बदलाव के दावे कर रहे हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राजद एनडीए को नहीं तोड़ सकती, बल्कि टूट तो महागठबंधन में ही होगी। राजद पहले अपना घर बचा ले। तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के बीच राजद का अध्यक्ष बनने और राजद पर कब्जे की तकरार चल रही है। मीसा की माचिस से राजद खुद को बचा ले। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजद की तरफ से बिहार में भी राजनीतिक बदलाव होने के दावे किए जा रहे हैं। राजद ने दिया जीतनराम मांझी को न्योता। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में भी सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी क्रम में राजद के विधायक राकेश रोशन ने हाल ही में जीतनराम मांझी को ऑफर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बंगाल की जनता ने यह प्रमाणित कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए उन्होंने दीदी को धन्यवाद देते हुए जीत की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने ऑफर देते हुए कहा कि हमारी भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसके लिए हमारे सहयोगी बनकर हम लोगों की ताकत को मजबूत करें और अपनी आत्मा की आवाज को जरूर प्रकट करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोल माइंस डे की घोषणा 1980 में आज के दिन हुई। भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से 1854 में आज के दिन जारी हुआ था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांदी का जन्म 1905 में आज के दिन हुआ। मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान ने आज के दिन 1799 में दुनिया को अलविदा कहा। विख्यात तबला वादक किशन महाराज ने दुनिया को अलविदा 2008 में आज ही के दिन किया। बिहार में कोविड 19 के मिले 11,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 11,407 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,667 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 211, अरवल में 88, औरंगाबाद में 356, बांका में 96, बेगूसराय में 510, भागलपुर में 378, भोजपुर में 48, बक्सर में 75, दरभंगा में 140, ईस्ट चंपारण में 148, गया में 662, गोपालगंज में 294, जमुई में 76, जहानाबाद में 149, कैमूर में 98, कटिहार में 198, खगड़िया में 116, किशनगंज में 59, लखीसराय में 60, मधेपुरा में 155, मधुबनी में 157, मुंगेर में 175, मुजफ्फरपुर में 653, नालंदा में 346, नवादा में 124, पटना में 2028, पूर्णिया में 286, रोहतास में 130, सहरसा में 290, सारण में 361, शेखपुरा में 32, शिवहर में 70, सीतामढ़ी में 132, सिवान में 304, सुपौल में 297, वैशाली में 1035, वेस्ट चंपारण में 549 मामले सामने आए। इसके साथ ही 26 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिले में कलेक्ट किए गए। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में कुल मिलाकर के 13,603 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,98,558 पर पहुंच गई है। आज होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में लॉकडाउन को लेकर हो सकता है अहम फैसला। बिहार में गहराए कोविड 19 संकट और लॉकडाउन लगने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक्शन मोड में बैठक बुलाई थी। उन्होंने सोमवार को पटना शहर में भीड़भाड़ की स्थिति, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, लोगों को मास्क पहनना समेत अन्य तमाम बातों को लेकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखें। उन्होंने पटना में कई स्थानों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई है। चर्चा है कि इस बैठक के बाद नीतीश सरकार बिहार में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला ले सकती है। कोरोना संकट में डॉक्टरों से मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वालों की अब खैर नहीं। कोविड 19 के माहौल में जहां एक तरफ डॉक्टर लगातार मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनों को खोने वाले परिजन कभी कभी डॉक्टरों पर ही अपना गुस्सा निकाल देते हैं, जिसके कारण डॉक्टरों के साथ मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के मामले लगातार सामने आते रहे। इसी क्रम में अब सरकार की तरफ से इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी डीएम और एसपी को आदेश जारी किया गया है। डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक प्रभाव है, आम लोगों में
में भय व्याप्त है। ऐसे में चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन पर अनुचित दबाव डालने तथा दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटनाएं सामने आ सकती है, जिससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। सभी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में नहीं होगी बिजली की परेशानी। बिहार के सभी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में बिजली की 24 घंटे आपूर्ति करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब बिहार के कोविड 19 अस्पताल, हेल्थ सेंटर, ऑक्सीजन गैस प्लांट, प्रीफिलिंग सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के ऊर्जा सचिव सह बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस ने सोमवार को अनुषंगी बिजली कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है कि यदि किसी कोविड अस्पताल या हेल्थ सेंटर में बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे 15 मिनट के अंदर दुरुस्त कर लिया जाए। इसके साथ ही विधायक विधान पार्षद निधि की 2 करोड़ की राशि अब कोरोना संकट में खर्च करने की बात कही गई है। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच विभिन्न बोर्ड की तरफ से 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद अब परीक्षा के परिणाम को 20 जून को जारी किया जाएगा। वहीं 11वीं में एडमिशन को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार अब विषय सिलेक्शन स्टूडेंट की इच्छा के अनुसार होगा। मार्क्स और स्ट्रीम की अनिवार्यता इस साल से खत्म कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 11वीं के स्टूडेंट विषयों का सिलेक्शन सोच समझ कर सकते हैं। अब गणित के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेने की बाध्यता नहीं होगी। IPL में फूटा कोरोना का कहर। IPL का आयोजन इन दिनों जोर शोर से करवाया जा रहा है। हालांकि कोविड 19 के माहौल में आयोजित करवाए जा रहे इस खेल को लेकर लगातार खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच भी कोविड 19 का डर मंडरा रहा था, जिसके बाद अब धीरे धीरे करके कई खिलाड़ी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बीते दिन CSK को करारा झटका लगा है, जब CSK की बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और CEO काशी विश्वनाथन की रिपोर्ट पॉजिटिव होने की खबर आई है। इसके साथ ही कोलकाता के खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पैट कमिंस के साथ कुछ और खिलाड़ियों की भी तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसके बाद बीते दिन होने वाले कोलकाता और बेंगलुरु के मैच को भी रद्द कर दिया गया था। ATM जैसा आधार कार्ड अब मिलेगा मात्र 50 रुपए में। आज के समय में आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। यह बैंक खातों और पैन कार्ड के साथ तो लिंक ही है, साथ ही सरकारी योजनाओं में भी इसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि आप चाहे तो ATM की तरह दिखने वाले आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत आधार कार्ड जारी करने वाले विभाग की वेबसाइट के जरिए आप PVC कार्ड पर प्रिंट हुआ आधार कार्ड भी मंगवा सकते हैं। खास बात यह है कि यह काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह स्पीड पोस्ट के जरिए सीधा आपके घर डिलीवर हो जाएगा। जानकारों की माने तो यह आधार कार्ड क्वालिटी में अच्छा होता है और इसे आसानी से पर्स में रखा जा सकता है। आधार PVC कार्ड में होलोग्राम, गुलॉश पैटर्न और माइक्रोटेक्स जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। इसमें QR कोड के जरिए तुरंत ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,360 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,360 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,500 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्याम कुमार, नीतीश कुमार, पप्पू कुमार, शंकर मुखिया, प्रहलाद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दीक्षा सिंह, जूही कुमारी, शशांक कुमार, प्रभु कुमार, देव सिंह, आरके एंटरटेनमेंट, दिलजीत सिंह, कुमारी स्नेहा, साधना कुमारी, सुरभि सिंह, पूजा कुमारी, तान्या श्रीवास्तव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कुछ खिलाड़ियों के कोविड 19 पॉजिटिव होने के बाद IPL 2021 को रद्द कर देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।